शिव गंगा इस फिल्म का निर्देशन भैया कर रहे हैं और दूसरी वाली फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं महापात्रा जी। तो भैया के निर्देशन में एक बार फिर से काम करने के लिए मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गया। और यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोग, ये अपनी श्रुति जी हैं और प्रशांत जी हैं, पप्पू खन्ना भैया हमारे बड़के भैया, मैं किसी का नाम चूर चेन ना जाए, ये इतने बड़े हस्ती हैं निकाह फिल्म और कौन बचपन में हम लोग देखा करते थे उसी को, पप्पू खन्ना सर। तो एक आज भोजपुरी की जो जिस स्टेज में है, अब अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी है जैसे डिजिटल का थोड़ा सा दौर आया है, तो अच्छा है नए लोगों को लेके, और बड़ी अच्छी टीआरपी ले रहे हैं नए नए लड़के, बड़े बड़े लोगों को चकमा दे दे रहे हैं। तो अभी नए दौर की जो नई फिल्में आ रही हैं इसमें हम पुराना आदमी नए लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। पूरी टीम को, महापात्रा जी को, मनोज भैया को, सतेंद्र को, श्रुति को, सोनी को और अलीशा, संजू और पप्पू भैया, आइए सर, डायरेक्टर साहब हमारे महापात्रा है और यहाँ पर और तमाम लोग हैं, संजय भैया हैं, सबको धन्यवाद। और मैं इस फिल्म का हिस्सा आप लोगों ने बहुत बनाया, ऐसे बनाते रहिए बुढ़ापे तक, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारी सिनेमा है और क्या रहेगा हमारी जिंदगी में, क्या एक कलाकार की जिंदगी में सिनेमा
सेवा बना रहा है, बताइए क्या हो हमारी जिंदगी है। मैं मनोज भैया के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मनोज ओझा भैया के लिए, क्योंकि बहुत सुलझे इंसान है। मैं लौट गया होता मुंबई से अगर ये नहीं रहता। इन्होंने कहा ये नहीं रहेगा तो सिनेमा ही नहीं करूंगा, तो मुझको तो जीवन वो है। तो मैं चाहूंगा अभी हर साल 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म डायरेक्ट करते रहे और बिना किसी टर्म्स कंडीशन के मैं इनके इंटरनेशनल में काम करता हूँ। और भैया जो है इनसे हमारा बड़ा पुराना संबंध है, ये हमारे छोटे बहन के साथ कोई फिल्म नहीं कर पाया। इन्होंने पिछली फिल्म में भी मुझे बुलाया था, डेट की वजह से नहीं हुआ, पर इनको मेरा बड़ा आज मैं बड़ा भाई की तरह इनको छोटे भाई जैसा भयंकर प्यार हमारा इनका रहता है। जहां चाहते हैं घर गांव मैं हर जगह जाता हूँ। आपके लिए ढेर शुभकामना भैया। श्रुति भी अभी नए दौर में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। कल जो ये लोग परेशान थे हीरोइन के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हीरोइन किसको लिया जाए, तो हमने कहा किसको बताऊं, पहले ही नाम नहीं का निकला। मैंने बोला कि श्रुति भी तो अच्छी है, दिख लीजिए आप। तो आपके लिए ढेर शुभकामनाएं कागज में होता है कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर कोई कोरियोग्राफर कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस, लेकिन जब मिल के करते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है और बहुत अच्छा मोमेंट है, अच्छा लगता है, अच्छा पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव में जब चलते हैं सब चीज अच्छा होता है। और ये अच्छा फिल्म और एंटरटेनमेंट आप किसी को दे रहे हैं, किसी को आप सामने लेके आ रहे हैं और अच्छा एक्टर का साथ में अच्छा कॉन्सेप्ट का साथ में, दिस इज वेरी 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 गुड थिंग फॉर अस। तो अच्छा लगता है और मुझे इन्वाइट किए हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं ठीक समय पर पहुँच गया, तो मेरा जो मेसिंग मेरा जो ऑपरेशन जो सब कुछ साथ में है, रविंद्र जी के साथ में और सबका साथ में और रहेगा। और ये जो मूवी है सुपर हिट होगा, मैं आपको बोल दिया क्योंकि ऐसा है मैं मूवी का बहुत मेरा ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल में बात कर रहा हूँ कि कोई भी मूवी बॉलीवुड मैं आता है तो सब प्रीमियर में और मैं सब रिलीज में मैं रहता हूँ। तो कोई भी मतलब फिल्म दुनिया का जो बॉलीवुड में 1 to 10 है मेरा फ्रेंड है, तो इसलिए मैं जानता हूँ मूवी का दुनिया में मुझे क्या होता है कैसे बनता है क्या है उसका कंसेप्ट क्या है, इतना लेवल से शुरू होता है 0 लेवल से जाके 100 लेवल तक पहुँचता है। तो ये अच्छा चीज है, अच्छा मतलब लगता है और अच्छा करने के लिए मतलब जो प्रयास है बहुत अच्छा चीज है, मुझे अच्छा लगा है। और इस सभी आदमी सब वापस में सभी हम लोग जड़ित हैं, संजय जी हैं इसको लेके आगे रखेंगे, संजय जी बिल्कुल भी, तो सभी आदमी जानते हैं। उधर वो विजय सक्सेना साहब कहाँ चला गए, पीछे भाई है, तो ये भी है सभी आदमी में कोऑपरेशन रहेगा, ये पिक्चर को लेके आगे जैसे बॉलीवुड में जैसे बनता है पिक्चर उस लेवल में लेके रखेंगे और सबका कोऑपरेशन चाहिए। मैं इतना आशा करता हूँ कि सबका कोऑपरेशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक नाम भूल गया था मैं, परी सिंघानिया जी का, इनको निर्माता और अभिनेत्री और आज का हीरो तो अपना म्यूजिक डायरेक्टर है। आपको आकाश जी आपको बहुत बधाई हो और आपके साथ वो भी है, दोनों लोग हैं। स्टोरी बताइए जो मैं कहानी उन लोग एकदम मारे थे बिल्लू से ना। वाह वाह, आप दोनों को ढेर शुभकामनाएं। लीजिए मनोज भैया नमस्कार। मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और आज बहुत खुशी का दिन है। आप सब लोग आके मुझे आशीर्वाद प्यार जो दुलार दे रहे हैं दिल से मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और आप लोग हमारे ही गार्जियन है, जैसे मनोज भैया को हम लोग बहुत हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत और दर्जे का अभिनेता है और दिलेर इंसान है। और हमारे बड़े भैया जो महामोहिन, मैं ऐसे गार्जियन मनोज ओझा भैया जी जो हमारे हैं रियल जस्ट लाइक मैं क्या स्मिथ ने बताएंगे बड़े भैया है और इनके आशीर्वाद द्वारा जो फिल्म कर रहे हम लोग इसमें बहुत बड़ा इनका आशीर्वाद है। और साथ साथ हमारे
चीफ गेस्ट हेमंत सर जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये तो पूरा बॉलीवुड का पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि वन टू वन जितने भी दिग्गज बॉलीवुड स्टार हैं इनके फ्रेंड है, और चाहे वो मिस्टर पीटर हो या डायरेक्टर हो। और उसके बाद मेरे जस्ट लाइक मुझे इन्होंने बेटा अब एडॉप्ट किया है, पप्पू खन्ना जी हमारे हर फिल्म में आशीर्वाद यहाँ से घर तक जाते हैं। और ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि धर्म जी से लेके अमिताभ बच्चन जी से लेके अक्षय कुमार शाहरुख खान आमिर खान सबको नचाए हुए बॉबी देओल सनी देओल, ये बहुत अच्छा लगता है। और दिग्गज बड़े भाई हमारे जो विजय सक्सेना जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। एक टाइम था कि मैं इनके साथ सीखता था, जिम करने जाता था, और दिल से मैं आशीर्वाद प्यार गुलाम देना चाहता हूँ। आकाश ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है म्यूजिक के लिए, और हमारे बड़े भैया सुधीर भैया जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, और इन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया है और मुझे चुना है इसके लिए दिल से आभार व्यक्त भैया। और इस फिल्म के मेरी जिंदगी हेतु के डायरेक्टर रंजीत भैया, आप कहाँ चले गए, आप इधर आइए और आशीर्वाद प्यार दुलार आप दिए हैं वैसा देते रहिए कि मेरी जिंदगी है तू, ठीक है। हाँ, और शिव गंगा बड़े भैया, हर एक आदमी जो भी कोई भी इंसान होता है तो उसको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो अपने कहानी का भी मेन उद्देश्य यही है मेरी जिंदगी है, आप मेरे लिए हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, सब सबकी जिंदगी है। और बहुत खूबसूरत इधर खड़ी में श्रुति जी इस फिल्म के नायिका, और हमारे फिल्म का हम यही समझते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती की जो रूप होती है, और दूसरी इधर अलीशा खान जी है इस फिल्म की नायिका, और साथ में हमारा पूरा संजना जी है, परी सिंघानिया जी है बहुत अच्छी फ्रेंड है, प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, ये भी इस फिल्म की हिस्सा है, और हम लोग जितना फिल्म करते रहेंगे वो हिस्सा बनती रहेगी। सोनी पटेल जी अगर बड़े भैया ये आशीर्वाद देने के लिए, तो दिल से जो भी मनीष चतुर्वेदी भैया उधर बैठे हुए बड़े स्टार भाई संजय भैया, जो भी लोग इस प्रांगण में इस हॉल में आए हैं, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार देते रहिए ताकि हम भी आप लोगों के साथ कदम कदम मिला के चलता रहूं। और दिल से भैया का फ्लाइट है मनोज भैया, और उसके बाद भी आप टाइम निकाल के आए तो भैया दिल से आभार। बाकी हमारे पप्पू खन्ना जी और हमारे प्रोड्यूसर साहब कुछ बोले। उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हमारा प्रोफेशन आपके प्रोफेशन से बहुत ही अलग है। मैं दो चार लाइन बोलना चाहूँगा। मैं कंपनी सेक्रेटरी और एडवोकेट हूँ। हम विगत दिनों में देख रहे थे अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री, थोड़ा सा लगाव है मुझे उस इंडस्ट्री से, लेकिन मैं देख रहा था कि जो लेवल होना चाहिए, इधर मल्टीप्लेक्स आ गया, मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगती नहीं है, तो हमारा पूरा पूरा प्रयास होगा कि भोजपुरी को हम जितना आगे ले जा सके, साफ सुथरी फिल्में बनाओ और उसको मल्टीप्लेक्स में लगवा कर रखें। वो दिन अब दूर नहीं जब भोजपुरी की हर फिल्म, जो भी अच्छी फिल्में बनेगी और अब मल्टीप्लेक्स में भी आएगी, ये मेरा पूरा पूरा प्रयास होगा। अगर आप सभी लोग साथ दें तो मैं निश्चित रूप से ये काम करके रहूंगा। बस आप लोग सबका आशीर्वाद और सपोर्ट प्यार चाहिए इस काम को करने के लिए। हमें हमको पूरा उम्मीद है कि हाँ हमें सपोर्ट और सबका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और उसी समय मैंने तय किया था कि भोजपुरी को भी हमें उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे की भोजपुरी मूवी अच्छा बने और मल्टीप्लेक्स में लगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आने वाले समय में ऐसा हो। दिल से धन्यवाद भैया, इसीलिए तो आप मुझे पिक्चर दिए। मेरे गार्जियन पप्पू जी और इधर रवि त्रिपाठी जी बड़े मित्र हमारे, बहुत अच्छे हीरो हैं। और नमस्कार, आज मनोज जी है, बच्चे हमारे सारे हैं, खुशी होती है। सतेंद्र है, फोन किया आपको आना है पिक्चर करने में, मेरा 100% मेरा फैमिली है, मेरी जिंदगी है तू, मतलब मेरी जिंदगी है तू,
नितिन गरी हमेशा मेरा साथ देता है हर वक्त, आधी रात को फोन आ जाओ मास्टर जी यहाँ बैठे गए गाना रिकॉर्डिंग है, एक खुशी मिलती है अपना मन है। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ऑल द बेस्ट हमारे पिक्चर के लिए, हमारे प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर सबको धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेरे तरफ से शुभकामनाएं, थैंक यू। विजय सक्सेना जी डॉन के बाद कौन था अभी से टारगेट इंडिया, टारगेट इंडिया ये हमारे बहुत साल से आइए भाईंदर हमारा कम से कम हमारे 25 साल पुराने मित्र हैं, भाई भाई हैं और बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। पहले भाई ने फिल्म बनाई थी और मुझे खुशी है काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत अच्छे हमारे संजय देखिए संजय भाई इधर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया है तो हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग तो बेकार है। आवाज जो है सपोर्ट मीडिया करती है, इसकी वजह से हम लोग फिल्म बनाते हैं और बनाते रहेंगे। और बधाई देता हूँ हमारे डायरेक्टर भाई के पात्रा जी, अरे पात्रा जी आप बुलाते हैं वो इधर चले जाते हैं, बहुत अच्छे सज्जन हैं और हम चाहते हैं इसी भोजपुरी फिल्म बनाए और हम सब लोगों को बुलाते रहें। आइए भाई, ये हमारे हीरो साहब हैं, हमारे 20 साल से भाई हैं छोटे आपका आशीर्वाद है, हम चाहते हैं कि और भी फिल्मों में आए। जरूर जरूर आपसे इंस्पायर हुआ था, मैं जीव करना आप ही देखिए किस हद से करता हूँ, जीव करके देखिए। हाँ बहुत साल हो गए, चलिए धन्यवाद सभी भाइयों को, रवि भैया और आइए भाई सो मच, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन, बहुत ही ऑफिशियल मौका है ये और मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब है मनोज जी, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मनोज जी आदरणीय मनोज जी मनोजा जी बहुत वक्त के बाद उनको यहाँ देखा और बहुत ही सुखद था मेरे लिए। इस पूरी फिल्म की टीम को मेरी बधाई और सतेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी इस टीम की हमारी जो नायिका है तो मेरी विशेष शुभकामनाएं आप सारे लोगों को, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, यही मेरी शुभकामनाएं है, थैंक यू सो मच। भाई नारियल तोड़ने के लिए कुछ दो ना प्लीज, नारियल तोड़ने के लिए कुछ दे दीजिए। यहाँ पे उपस्थित सब लोग के प्रणाम और नमस्कार मनोज भैया, आप सबके पता है कि हम 4 दिन पहले ही हमारे पिताजी बुजुर्ग के बाद हम बॉम्बे ही हैं 4 दिन हो गए हैं और हमारे पूरे टीम भोजपुरी इंडस्ट्री के शुभकामना वालों से भोजपुरी काका के और एम टीम से जो भी कलाकार जुड़ल बा इंडस्ट्री से जो भी जुड़ल बा हमारे शुभकामना का साथ में मीडिया के तमाम भाई, हम चाहब कि आप सब जहाँ रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें, हर हर महादेव, जय हो। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं कहती हूँ दिल से। एंड हमारे सीनियर है पप्पू खन्ना जी, कोरियोग्राफर, मेरी फर्स्ट भोजपुरी मूवी का कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना साबित थे, जब मुझे डांस करना नहीं आता था तो वही मास्टर जी ने हमें डांस सिखाया था, मैंने मुझे बोला था काफी बातें आप लोगों ने हालांकि लेकिन चूंकि मीडिया में प्रोड्यूसर है और क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप पूरी टीम का मुकाबला लेके आते हैं और इस पूरी टीम के साथ आपका क्या लगाव सर? सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बधाई और इस टीम से क्या पूरी टीम से ही हमारा इतने सालों का एसोसिएशन है। मनोज ओझा भैया ने तो हम लोगों को ब्रेक दिया, इसके अलावा सतेंद्र जो है छोटा भाई है, श्रुति राव इस फिल्म की हीरोइन है जिनके साथ 5-6 साल
हो गया है, इनके साथ काफ़ी फिल्में की, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और इसके अलावा परी सिंघानिया जी, उनके खुद एक निर्माता भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और वो अपनी दूसरी रंजीत महापात्रा जी, बहुत दिनों से वो सोच रहे थे कि हम साथ में काम करें, लेकिन अभी देखिए मौका मिला तो काम किया जाए। तो पूरी टीम को ही मेरी ढेरों शुभकामनाएँ हैं, और भगवान करे ये अच्छी फिल्म हो, चले। और इस वक्त भोजपुरी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है उससे स्कोप बढ़ा है अच्छी फिल्मों का, अच्छे दर्शकों को खींच कर ले आ रहे हैं लोग, यही है। मेरे पास पहले तो मैं जितने भी मेरे भोजपुरिया दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है, और मेरे पास ये फिल्म उड़ते उड़ते पहुँची है एकदम से। कल ही कॉन्वर्सेशन हुई और कल ही बात हुई और कल ही पिक्चर की स्टोरी सुनी और कल ही डन हो गया। एंड बहुत ही खूबसूरत टाइटल है, आप लोग देख सकते हैं, मेरी ज़िंदगी हेतु, जो कि प्रोड्यूसर हैं सुबीर जी और हमारे डायरेक्टर हैं रंजीत जी, और एक फिल्म में डायरेक्टर हैं मनोज ओझा जी। सत्येंद्र जी इस फिल्म में हीरो हैं, और दोबारा से काम करने जा रही हूँ मनोज जी के साथ, आफ्टर मुझे लग रहा है 1-2 साल तो हो ही गया तो दोबारा से टीम मिल रही है, और साथ में हीरो के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा काम करूं, और अच्छा कॉन्सेप्ट है, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, बस अब शूटिंग करके अच्छी पिक्चर बना के ले आए तो हमारी आधी जंग जीत जाएंगे हम लोग। और आई विश कि ये फिल्म को भी आप लोग जम के प्यार दीजिए, ताकि जितनी भी पिक्चरें आ रही हैं प्लेटफॉर्म पर, जितनी भी टेलीविज़न पर पिक्चरें आ रही हैं, वर्ल्ड टेलीविज़न जितनी भी फिल्मों का हो रहा है मैं देख रही हूँ, काफ़ी चेंजेस आया हुआ है। कुछ ये नहीं बोल सकते कि वर्गैलिटी है, आज के टाइम में सब्जेक्ट बन रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट वाली फिल्म है, और आई होप कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो और शूट करके आए तो अच्छा लगे। साफ सुथरी फिल्मों का भी बाढ़ आ गया है, जैसे कहते थे ना लोग कि अश्लील फिल्मों का बाढ़ आ गया, तो अभी साफ सुथरी फिल्मों का बाढ़ आ गया जी। हीरोइन है तो रहेंगे ही गाने, बिल्कुल रहेंगे, और गाने होंगे ही होंगे, बट ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि आप गाने किस वे में पूछ रहे हो, गाने के लिए सतंदर मेरी आवाज़ अच्छा, में ये गाने आई होप कि रहेगा, अभी तो मैंने फिल्मों में भी गाना शुरू कर दिया है, तो आई विश कि रहे, अच्छी लगे मेरी आवाज़ हमारे सतंदर जी करें हम लोग, ये आपकी जगह है। नमस्कार, मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह, और आज दोनों फिल्म का मुहूर्त हुआ है, और हमारे जितने भी गार्जियन समान जो लोग भी आशीर्वाद प्यार दुलार दिए, अब मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी जिंदगी है तू, ये पिक्चर में प्रोड्यूसर सुबीर भैया हैं और डायरेक्टर रंजीत महापात्रा जी हैं, और हमारी फिल्म की नायिका श्रुति राव जी हैं, और बड़े भैया मनोज टाइगर जी हैं, और इस फिल्म में अलीशा अली खान जी भी हैं, परी जी भी हैं, और हमारे जितने भी कलाकार लोग हैं, और चयन किया जा रहा है। उसके बाद ये फिल्म आप देख रहे हैं शिव की, शिव गंगा, इसमें बड़े भैया डायरेक्टर हैं मनोज ओझा जी, इसके प्रोड्यूसर हैं बड़े भैया सुबीर जी, और अभी इस फिल्म में ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ कि इसके कास्ट कौन होंगे क्या होंगे, ये मनोज भैया ही बता पाएंगे, और ये इसका तो पता है मुझे कि सब कुछ ये हो गया, फर्स्ट हम लोग ये शूट करने जा निकलेंगे अगले मंथ। तो आप सब अपना आशीर्वाद प्यार दुलार देते रहिए, और ऐसे ही हम पिक्चर करते रहें। हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी तक जितनी फिल्में की हैं, जितने किरदार निभाए हैं, उतने शिद्दत से ये फिल्म का भी किरदार निभाऊं और अपना 200 दूँ, ताकि हमारी फिल्म के निर्माता, प्रोड्यूसर, को एक्टर सभी अच्छी फिल्म बना पाए, क्योंकि किसी एक के काम करने से अच्छा नहीं होता है, सबको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो डैट इज़ अ पॉइंट कि आई विश कि मैं भी अच्छा करूँ, जितने भी अभी पीछे जो किया है, अभी डे बाई डे क्या होता है ना कि सीखने के लिए मिलता है और कुछ अच्छा करने की और चाहत आती है। तो जिस हिसाब का कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा काम और भी, मतलब लाइक
इम्प्रोवाइजेशन के साथ करना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से फाइट करती रहती हूँ फॉर अ परफॉर्मेंस बेस पे। तो बस यही है कि अच्छी पिक्चर बने, और सत्येंद्र जी को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस, हमेशा आगे बढ़िए और अच्छी अच्छी फिल्में करिए। हाँ सर, क्या बोलना है सर? सर क्या कहते हैं आप, डिजिटल शुरू हो रही है, आप हाँ, सबसे पहले प्रोड्यूसर की ही बात कर ली जाए। ये साहब बचपन से हम लोग साथ में पढ़े हैं, और प्रोफेशन तो इनका दूसरा है, कहीं से फिल्मों का कोई लगाव नहीं है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तभी मैं बोलता था कि हमको फिल्म बनाने हैं, मार झगड़ा गाली गलौज सब होता था कि तुम कैसे ही कर सोच सकते हो। फिर हम अपना प्रोफेशन ये चुने, ये अपना प्रोफेशन चुने, इस दौरान मैंने 10-12 फिल्में कर ली। फिर उन्होंने बोला कि यार इतना कर रहे हो तो किया जाए, अब और लाउड थोड़ा किया जाए। तो इनके साथ मैंने साढ़ू जी नमस्ते की, वो फिल्म रिलीज के कगार पे है, तो बोले कि अब क्यों ना कंटिन्यू इसको किया जाए। तो अच्छी बात है किया जाए। फिर हम लोग मुंबई आए, सोचे ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी है तू। और हम एज ए डायरेक्टर प्रेफरेंस देते हैं सामाजिक फिल्में, पारिवारिक फिल्में, जो इमोशन से जुड़ी हो। तो ये फिल्म इमोशन से जुड़ा हुआ है, हम लोग शुरू किए। अब हुआ कि एक फिल्म क्यों, एक साथ दो फिल्म किया जाए, तो फिर मनोज ओझा जी को हम लोगों ने जोड़ा और एक फिल्म और अनाउंस हो रहा है। आप लोगों के साथ कुछ कोई सवाल इंटरेस्ट नहीं, नहीं मैं कुछ चीज़ें बहुत फ्लैश में जाना चाहूँगा, 2-4 मिनट टाइम लगेगा आप लोग को। फिर जब बहुत इनिशियल, जब मैं 3-4 साल का हुआ करता था, तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता था कि मुझे फिल्म बनानी है, और मैं चौकी के वो पर्दा डाल के टॉर्च जलाकर दिखाता था कि देखो मैंने फिल्म बना दिया पूरे घर को। जब कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई हम लोग किया करते थे, तो उन दिनों हम लोग की दशा बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, तो हम दोनों साथ ही एडमिशन लिए थे। ये बात हो गया 99-2000 की, और ये हमेशा इनका ड्रीम हुआ करता था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा। मैं बोलता था कि एक कप सूप तो शेयर करके पीते हो, पैसे है नहीं, फिल्म कहाँ बनाओगे। तो कई बार नोकझोंक भी चलते रहता था, लेकिन इनका इंटरेस्ट उस एरिया में फ्रॉम दैट पॉइंट उस समय से था। तो उस समय से ये फिल्म में चले गए, और मैं अपना पढ़ाई और बाकी जगह पर। जब पढ़ाई मैंने कंप्लीट किया, कंटिन्यू 17 ईयर्स, राइट नाउ आई एम फेलो कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन रह चुका अपने बिहार का, तो फेलो। बाद में जब मैंने देखा कि ये फिल्म में 17-18 फिल्म में सड़क छाप इसने संभव है 2013 में किया था, और कुछ फिल्में जब बनते रहा, तो मैंने कुछ दिन पहले सत्येंद्र भाई से हमारा टकराव हुआ, मैंने एक सवाल सिर्फ पूछा कि अपनी भोजपुरी फिल्म थिएटर में क्यों नहीं लगता। तो पता चला कि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मैटर, बहुत सारी चीज़ों को लेके ये थिएटर तक पहुंच ही नहीं पाता, और जो अपने दर्शक हैं उस लेवल वो जाने से परहेज करते हैं। तब मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं फिल्म बनाऊंगा, और वैसा कंटेंट, वैसा मैटर और वैसा चीज़ रहेगा उसमें, जिससे कि आम पब्लिक जो सिनेमा हॉल का रुख छोड़ चुका है या सिर्फ हिंदी मूवी के लिए करता है, अब भोजपुरी की ओर भी करेंगे लोग। तो हमारा प्रयास बस ये सोच के है कि भोजपुरी में भी अच्छी साफ सुथरी फिल्में आए, जिससे कि आम पब्लिक पर्दे तक आए, थिएटर तक आए। क्या बोले? शूटिंग संभवतः मैं आज रात तक फाइनल कर दूंगा, 1 अक्टूबर से यूपी में कुशीनगर और गोरखपुर, तो 1 अक्टूबर से संभवतः इसका शूटिंग। इस फिल्म में सत्येंद्र जी हमारे लीड रोल में हो गए, श्रुति शाह, श्रुति राव हैं, श्रुति राव और क्या है, त्रिशा खान, अपने मनोज टाइगर भाई, और भी यूपी के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन लोगों को साइन कर लिया गया है। तो डेट फाइनलाइज आज हम लोग फिर शाम में बैठेंगे सारे अपने लोगों के साथ, और डेट एक फाइनल कर दिया जाएगा। हमने अभी तक, मैं खुद एज ए प्रोड्यूसर बोलूँ तो, साढ़ू जी नमस्ते, दिल का हाल सुने दिलवाला,
और ये तीसरी मेरी मूवी होगी, मेरी जिंदगी है तू, और फिर नेक्स्ट में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। जी आज बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी यहाँ पे समा बंधा है, और जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पे आए हैं और मीडिया पर्सन्स हैं, सब लोगों को धन्यवाद। शुभीर जी हमारे प्रोड्यूसर दोनों फिल्म की, महापात्रा जी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इट्स अ ग्रेट। काफ़ी लंबे अरसे के बाद कम बैक हुआ, 18 साल जैसा आप लोग को याद है, 2005 के बाद हमने एक ब्रेक ले लिया था, और पिछले मई इसी साल मई में हमने एक फिल्म डायरेक्ट करी, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, और उसके बाद शिव गंगा करने जा रहा हूँ। सो आज शिव गंगा, अभी सिर्फ हमने हीरो हमारे फाइनल है सत्येंद्र सिंह, बाकी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पटकथा आगे बढ़ेगी, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। मैं शिव गंगा कर रहा हूँ, शिव गंगा कर रहा हूँ। आप शिव गंगा एक मध्यम वर्गीय फैमिली की कहानी है, जो हमारी एक्ट्रेस अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए बनारस जाती है, और उन वहाँ बनारस में उनके साथ एक उस प्रयास के दौरान जो जो घटना घटती है उसके ऊपर आधारित। और हम आज क्या है ना संजय भाई, कि चूँकि मैं एक लंबा अरसा भोजपुरी को दिया, और भोजपुरी को ही दिया, 36 साल से सिर्फ भोजपुरी में ही हूँ, हमने एल्बम्स डायरेक्ट किए, हमने फिल्में करी, हमने फाइनेंस काफ़ी फिल्मों में करी, मार्केटिंग किया फिल्मों का, तो कहीं ना कहीं एक इस माध्यम से जुड़ाव लगा रहा, और समय के साथ जो परिवर्तन हुआ उसमें एक चीज़ आपने पीछे, मुझे याद है 15-20 दिन पीछे आपने एक प्रश्न पूछा था कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं किधर चली जाती हैं, ऑडियंस को मालूम ही नहीं चलता है, तो उस समस्या पे हमने आपको आंसर भी दिया था, पर मैं यहाँ अभी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, और रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म लाइन में आ रहे हैं, एक छोटा सा बजट पब्लिसिटी के लिए रखें। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, उसकी मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। चूँकि मैं मार्केटिंग में हूँ, लोग बड़ी आशा से मेरे पास फिल्म लेकर आते हैं कि सर ये हमने फिल्म बनाई है, इसको किसी चैनल से बिकवा दीजिए, कहीं भी प्रदर्शित करवा दीजिए, और फिर जो कठिनाइयाँ मैं झेलता हूँ, उस कठिनाई में वो प्रश्न जो आपने पूछा था वो बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि हम फिल्म बनाते हैं और आज पब्लिसिटी के लिए हमारे पास कोई विचार नहीं है, कोई उसका हम आइडिया लेके नहीं चलते, तो पब्लिसिटी बजट होनी चाहिए आने वाली फिल्मों में, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ये बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, मेरी जिंदगी है तो शिव बाबू की बहुत अच्छी फिल्म है, महापात्रा जी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, और सत्येंद्र, श्रुति, अलीशा, जो स्टार कास्ट तय किया गया है, मनोज जी है, मनोज टाइगर है, तो फिल्म का स्वरूप बहुत अच्छा बन रहा है, और मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, और चूंकि मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ एज ए हेड, प्रोजेक्ट हेड, और ये एक किरदार, नया किरदार और मिला है बहुत सारे किरदारों में 36 साल में, कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ मैं एज ए हेड भी जुड़ा हुआ हूँ, मॉनिटरिंग कंटेंट कैसा हो, चूंकि हमारे पास एक ही माध्यम है डिजिटल, टीवी माध्यम ही बचा हुआ है, तो टीवी के लिए कैसे प्लानिंग करें, क्या प्लानिंग करें, किस तरह से कंटेंट की चयन करें, किस तरह उसकी पूरी जो स्टार कास्ट का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो मुझे खुशी है, चलो इस प्रोजेक्ट के साथ भी मुझे एज ए प्रोजेक्ट हेड जोड़ा गया है। जब आपने आखिरी पिक्चर देखी,
इतना लंबा गैप होगा जब पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इन 17-18 सालों में सिनेमा इंडस्ट्री बदल गई, मेकिंग के तरीके बदल गए, दर्शकों की पसंद बदल गई, कैसे आप उस वक्त से आज के वक्त को कंपेयर करते हैं और क्या इस वक्त में डायरेक्टर बनना या डायरेक्शन करना आसान बना रहा है? जी कई सवाल हैं आपके। पहला सवाल कि इतना लंबा वक्त हमने क्यों ये कर दिया। 2005 में हमने चलत मुसाफिर करी, 2006 में हमारी पिक्चर रिलीज हुई। उस समय के हिसाब से अगर ये करें, निगेटिव पे पिक्चर शूट होती थी, उस समय का जो माहौल था, थिएटर सपोर्ट था, डिजिटल सपोर्ट था, हर तरफ से सपोर्ट था, पिक्चर अच्छी चली। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगा पिक्चर के निर्माण के दौरान कि भविष्य में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही मैं फिल्म करूँगा। और 2006 में मैंने अभी जो पिक्चर हमने करी 18 साल बाद, इसकी मुहूर्त भी हो गई थी 2006 में। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना हमने शुरू कर दिया था, दिनेश जी ने नारियल तोड़ा था, विनय बिहारी साहब ने गाना वगैरह किया था, 10 गाने भी रिकॉर्ड हो गए थे। बट वो जो मेरे दिमाग में आया कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों जब मैं हूँगा तो फिल्म करूँगा, वो संभावना बनी नहीं उस समय और हमने उस चीज़ को ड्रॉप किया। फिर कहीं ना कहीं जुड़ाव लगा रहा एज ए फाइनेंस। हमने दुर्गा प्रसाद जी के साथ आदिशक्ति के अंदर 200-250 पिक्चर हमने फाइनेंस करी 2016 तक। 2016 के बाद इंडिपेंडेंट लगा रहा, फिर स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हमने शुरू किया, भोजपुरी से ही काफ़ी आगे बढ़ा मेरा स्टूडियो, आज भी स्टूडियो हमारी चल रही है। और फिर मार्केटिंग से जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जो बात आप कर रहे हैं वो बदलाव के साथ मैं लगा रहा, अपने आप को भी ढालता रहा उसमें। और इस समय बहुत बड़ी बदलाव यह है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, अगर एक उदाहरण से मैं बोलूं तो एक बैसाखी पे टिकी हुई है, दो टांग में से एक टांग थिएटर नहीं है अभी, तो सिर्फ माध्यम हमारे पास डिजिटल है, टीवी है। तो आज के बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स उस हिसाब से कंटेंट्स की चयन कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं बड़े स्टार्स को। उधर भी अच्छी फिल्में बन रही हैं, इधर भी अच्छी फिल्में बन रही हैं, टीआरपी बहुत अच्छा है टीवी पे, बहुत सारी फिल्में, बहुत हमारे प्रदीप भैया जी हैं वो रेगुलर पिक्चर अच्छा बना रहे हैं, बिफोर यू अचीवमेंट टीवी के लिए बना रही है, इंटरटेन चैनल ने भी खुद उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया है। तो सिस्टम बदल रहा है, उस सिस्टम के साथ हम भी बदल रहे हैं। मेरी जिंदगी है तू, इस फिल्म का आज मुहूर्त है और मेरे तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ भी तो फिलहाल सतेंद्र जी एज ए हीरो कर रहे हैं इसमें एंड मनोज टाइगर जी जुड़े हैं इस फिल्म में और आगे बाकी जो सिलेक्शन है वो अभी पूरी नहीं हुई है, बस होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू। जी फिल्में तो आजकल बहुत अच्छी बन रही हैं और सुबीर कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, दो फिल्मों का मुहूर्त किया उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर और इससे पहले भी वो फिल्में बना चुके हैं। और शिव गंगा के डायरेक्टर हैं मनोज ओझा जी और दूसरे फिल्म के जो मेरी ज़िंदगी है तू के डायरेक्टर हैं महापात्रा जी, दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हीरो हैं सत्येंद्र जी, तो इनके इससे पहले भी कई फिल्में आ चुकी हैं जिसमें अभी भूचाल रिलीज हुई है और प्लस ये दोनों फिल्में आ रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएँ हैं पूरे टीम को और शायद मैं इस फिल्म में कर रही हूँ काम, तो मेरे लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं।